यही सिर्फ यही एक रास्ता है जहाँ पे भगाना मज़ा आता है। तो अभी आगे भी हम लोग आ गए कोंडेश्वर के रास्ते पे। वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं आपका दूसरे चैनल का होस्ट रोहित। तो नया ब्लॉग है, नया वापस मोटो ब्लॉग ही है। तो कहाँ जा रहे, क्या जा रहे, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। मैं सेटअप लगा लूँ मेरे चेस्ट पे पहले, तो माउंट लगा देता हूँ, फिर मैं तुम लोगों को बताता हूँ। तब तक तुम लोग गाड़ी का थोड़ा सिनेमेटिक टेक देखो। अपना सेटअप हो गया, मैंने लगा दिया अपना माउंट और अपनी गाड़ी एम्प्टी, पैरी अपनी रेडी है। ठीक है, अभी हम लोग जा रहे हैं। एक्चुअली पहले गाड़ी स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं अभी कोंडेश्वर। ठीक है, क्योंकि मैं सोच रहा था अभी एक ब्लॉक तो आ गया भीमा शंकर का, अभी आगे नेक्स्ट क्या। तो थोड़ा सा विचार करने के बाद मैंने सोचा कि चलो कोंडेश्वर ही चले जाते, एक छोटा सा ब्लॉक तो बन जाएगा, ऐसे घूम के भी आ जाएंगे मंदिर में। तो जा रहे, और मानसून में बहुत मस्त विजिट प्लेस है भाई, मस्त सुंदर, बहुत बहुत सुंदर जगह दिखती है वो। तो तुम लोग तो देखोगे अभी, तो राइड का एंजॉय करो। ये शिव मंदिर मेरे घर से इतना नज़दीक है, बट मैं 2-3 बार ही गया हूँ, बट इतनी पब्लिक आते है यहाँ पे अभी, इतनी पब्लिक ना, सोशल मीडिया की वजह से पूरा बहुत फेमस हो गया ये। रील वील के ऊपर सब लोग आ रहे हैं अभी इधर, सोशल मतलब वही हो गया ना अभी, सोशल मीडिया की वजह से सब भगवान भगवान कर रहे हैं, वरना पहले फ़ोन कर रहा था। यहाँ पे अच्छा है, एटलीस्ट सिग्नल चालू हुआ। अभी यहाँ से थोड़ा सा स्पीड होगा अपन, क्योंकि यही एक जगह है जहाँ पे भगा सकते हैं अच्छे से। रेडी फॉर एम्प्टी पावर। यही सिर्फ यही एक रास्ता है जहाँ पे भगाना मज़ा आता है, वरना बाकी सब इस जगह पे तो आराम से चलाने का रहता है गाड़ी। मैं एक्चुअली स्लो इतने इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले व्लॉग में देखा तुम लोग ने कि ज़्यादा स्पीड भगा रहा हूँ तो आवाज़ नहीं आ रहा तुम लोगों को, इसलिए थोड़ा सा स्लो में ही चला था ताकि तुम लोग से बात कर सकूँ मैं। तुम लोग भी ज़रा रास्ता देख कर ही भगाओ नहीं क्या, अगर तुम लोग को रास्ता पता है तो ही भगाओ, नहीं पता तो थोड़ा सा आराम से ही चलो, पता नहीं कब क्या खट्टा बिट्टा कुछ आ जाए, मानसून का टाइम है थोड़ा सा तो आराम से चलो। ठीक है, अभी वो मेरे को रास्ता पता है कि पूरा प्लेन है, कुछ है नहीं वहाँ पे, इसलिए मैंने भगाया अपना, बाकी तुम लोग मत भगाओ यार, बाकी तो आप लोग की मर्ज़ी है यार। तो पता है मेरे को सबका हाथ में बाइक आती है तो सब अपनी मर्ज़ी से ही चलाएँगे, जब किसी का सुनता है नहीं। एक टर्न है जो बहुत डर लगता है यहाँ पे, लोकनगरी का टर्न, यहाँ पे डर लगता है बहुत, क्योंकि ये बहुत टर्न ऐसा है ना, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी हम लोग ने, इसके वजह से थोड़ा सा यहाँ पे लीन करने में भी फटती है थोड़ी सी। तो देख सकते हो मेरी गाड़ी ब्लिंक कर रही है एक्चुअली, क्योंकि उसको थोड़ी भूख लगी है, उसको थोड़ा खिलाना पड़ेगा मेरे को, तो उसका थोड़ा भोजन आ गया है अभी, तो उसको थोड़ा सा खिला देता हूँ। उसका खाना तो आ गया, पहले इसको खिला देते हैं।
यार अपनी गाड़ी को खाना खिला के हो गया अपना, गाड़ी भी थोड़ा सा तंदुरुस्त लग रही है मेरे को अभी। तो अभी आ गए हम लोग हाईवे पे प्रॉपर वे, अभी ये रास्ता सीधा ही है पूरा, फिर भी आराम से चला हूँ क्योंकि आवाज़ नहीं आएगा तुम लोगों को, फिर मतलब नहीं है मेरा फिर ब्लॉग भी करके। यार बारिश है थोड़ा सा, तो कैमरा पे आता है पानी थोड़ा बहुत, तो थोड़ा संभल लो ना, क्या मैं ऐसा बीच में बार बार ऐसा पहुंच नहीं सकता। एक तो यार अभी भी मेरे को थोड़ा सा ऐसा एम्बेरेस फील होता है मालूम है, जब भी ऐसा मैं ब्लॉग करता हूँ पब्लिकली, अभी भी मेरे को थोड़ा सा ऐसा फील है कि एम्बेरेस होता है मैं, बट इसे हटाना पड़ेगा मेरे को भी। मैं अभी क्योंकि विदाउट हेलमेट चल रहा हूँ, तुम लोग विदाउट हेलमेट राइड मत करो ठीक है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनो, थोड़ा हेलमेट के साथ ही राइड करो। मुझे एक्चुअली लेना है हेलमेट नया, दैट्स वाई मैं थोड़ा सा रुका हुआ हूँ। हाईवे पे भी यही सब चीज़ें चल रही है। मेरे को थोड़ा सा आइडिया दोगे तुम लोग कि मैं मेरा नाम क्या रखूँ चैनल का, बाइक के ऊपर कुछ ऐसा, अगर कुछ सजेशन तुम लोग का रहेगा तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, मैं पिक करूँगा जो मुझे अच्छा लगेगा ठीक है। तो ज़रूर मुझे सजेस्ट करना थोड़ा सा बाइक पिक के ऊपर क्या नाम रखूँ मैं ठीक है मेरे चैनल का, थोड़ा सोच रहा हूँ मैं नया कुछ रखूँ इसी वजह से, थोड़ा हेल्प कर देना उस चीज़ में। और अगर तुम लोगों ने जितना प्यार पहले ब्लॉग के लिए दिया है तो इस ब्लॉग को भी थोड़ा सा प्यार दे देना ठीक है, धीरे धीरे करके हम बढ़ेंगे आगे। और सब्सक्राइब कर दो चैनल को यार, ज़्यादा बोलता नहीं हूँ मैं सब्सक्राइब के लिए, बट फिर भी कर दो लाइक कर दो, पसंद आया तो तुम सबको। तो अभी आगे भी हम लोग आ गए कोंडेश्वर के रास्ते पे अंदर साइड, यहाँ पे भी सीनरी अच्छा है अभी, थोड़ा धीरे धीरे आगे आगे जब गांव में इंटर करेंगे हम लोग तब आते हैं मस्त। बारिश नहीं हो रही है यार, तो कोंडेश्वर गांव का एंट्री गेट ग्राम मंडल। जगह कोंडेश्वर का जहाँ पे पब्लिक आती है फैमिली के साथ में, देखो आ रहे आए भी है यहाँ पे, यहाँ पे पानी भी नहीं है पूरा, ऐसा रहते हैं पब्लिक यहाँ पे, बैठते हैं चिल करते हैं एंजॉय करते हैं। इधर पार्किंग रोड वाला पार्किंग नहीं है बच्चे, देखना तो हम लोग आ गए हैं कोंडेश्वर, मैं अंदर जा रहा हूँ अभी दर्शन के लिए, देखते दर्शन की भी गर्दी नहीं है, आज सोमवार भी है तो बहुत अच्छा दिन है दर्शन करने का, तो दर्शन कर लेता हूँ मैं, तुम लोगों को दिखा दो क्या है अंदर। पहली बार आया हूँ मैं अंदर मंदिर में, गया नहीं मैं कभी तो पहली बार आया हूँ, और यहाँ पर नदी पूरा बह रही है ना, वो देखो तुम लोग ठीक है, नदी बहुत गंदी वाली बह रही है, बहुत अच्छी बारिश थी पूरा भीग गया, तुम लोग को दिखाने के चक्कर में ना मैं पूरा भीग गया हूँ ठीक है, पूरा तुम लोग के ब्लॉग के लिए मैं पूरा, तो कोई ना ठीक है, देखो तुम लोग का यार।
अभी हम लोग जा रहे हैं कुंडेश्वर के ऊपर वाला रास्ता, जहाँ से मैं कभी गया नहीं है, यहाँ पे देखा भी नहीं मैंने क्या है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, बंदे ने हम लोग को बताया कि यहाँ पे जाओ, ये भी सही है व्यू यहाँ पे भी। तो अभी जा रहे, देखते हैं तुम लोग को दिखाता हूँ मैं क्या है। तो पहले नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे गणेश मंदिर है, इसने मेरे को बताया कि है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी जाके घूम के आते। जब आप यहाँ से टर्न टर्न लोगे ना, आप यहाँ से चढ़ाना आएगा तो यहाँ से मंदिर है, इच्छा पूर्ति गणेश मंदिर रिसोर्ट के सामने, रिसोर्ट के सामने। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा आ जाते क्योंकि आ ही गए तो दर्शन कर ही लो यार, क्या उसमें, छोटा ही मंदिर है। देखो तो तुम लोग कोंडेश्वर आओगे तो प्लीज़ गणपति जी का मंदिर है यहाँ पे पहले ही स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे भी विज़िट करो। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पे सिर्फ वो नदी के नीचे आते हैं। ठीक है, मंदिर में तो गर्दी नहीं था, सोमवार रुक के मेरे को लगा कि सोमवार तो गर्दी रहेगा, बट गर्दी ही नहीं थी बिल्कुल। हम लोग ऐसे जाके फट से जाके दर्शन होगा हम लोग का। बट आ रहे हो यार कोंडेश्वर, आ रहे हो तो सिर्फ घूमने मत आओ, मंदिर भी है तो ज़रा जाओ। और उधर से बाजू में एक सीधा रास्ता है ऊपर जहाँ पे हम लोग गए थे, वहाँ पे भी जाओ मस्ट। वहाँ से अगर और नीचे जाओगे तो झरना है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी जाओ तुम लोग, अच्छा है। ठीक है प्लेस। और हाँ, यहीं तक एंड करता हूँ मैं ब्लॉग, अभी ज़्यादा बड़ा नहीं करता हूँ। ठीक है, तो तुम लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ तुम लोगों को पता है क्या करना है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और कमेंट में बताओ मेरे को तुम लोगों को कैसा लगा, और क्या चाहिए तुम लोगों को नेक्स्ट, कुछ भी जो भी रहे चाहिए रहेगा तो कमेंट में मेरे को बताना क्या चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक स्टे काम भी, अभी पीस आउट, बाय।